से हमने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था कि ये जो अपना स्टील वूल है, स्टील वूल इसको कहते हैं, ये एक रोल में आता है और उसको सेफली हम लोग निकाल के, और जो भी आपके पास पैड अवेलेबल है अभी, जैसे हमारे पास एक यूज्ड जो है रेड पैड पड़ा हुआ है, हालांकि इसको वाइट पैड में यूज करते हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी भी पैड में जो कि यूज हो चुका हो, नए में अगर आप अगर इसको यूज करेंगे तो हो सकता है इसके साथ पैड डैमेज हो जाए। तो इसमें हमारा ये यूज है, और इसमें अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बता चुके हैं, इसको निकाल के दिखाते हैं कि ऐसे हमने इसको इसमें अटैच कर दिया था रोल बना के, ये हमारा यूज है, और ये जो है हमारा होल्डर है। तो इसमें ये लगाने के बाद ऐसे इसको बढ़िया से अटैच कर दिया जाएगा, ये होल्डर में हो गया फिक्स। इसके बाद इसको मशीन में फिक्स करेंगे। आप इसको मशीन को नीचे दबा के भी और छोड़ेंगे तो वो उसमें फिक्स हो जाता है, क्योंकि उसके जो ब्रिसल्स निकले होते हैं वो बढ़िया से अटैच हो जाता है। और इसके बाद हम लोग जो भी हमको सरफेस पे क्रिस्टलाइजेशन करना है, अभी जैसे हम लोग इसको फ्लोर को वॉशिंग कर चुके हैं और बफिंग भी कर चुके हैं, अब इसमें हमें क्या करना है कि क्रिस्टलाइज करना है, या जो अपन जो भी आपके पास अवेलेबल क्रिस्टलाइजेशन का जो भी लिक्विड फॉर्म है या क्रीम फॉर्म है उसको आप यूज़ करेंगे। तो हमारे पास ये टर्नोवा है, और जो डाइवर्सी कंपनी बनाती है, अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम से बनाती है, तो हमारे पास ये डाइवर्सी का टर्नोवा है, तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं। और ये हमारे ऑपरेटर हैं मिस्टर अजय जी, तो ये आप मशीन चलाएंगे, और इनके साथ में जो इनके असिस्टेंट है जो कि आपको ये टर्नोवा फ्लोर पे बराबर बराबर स्प्रे करेंगे। चलो जी स्टार्ट करो। हो सकता है तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, क्योंकि इसका पर्पस ही है कि आपको जो है प्रॉपर नॉलेज मिलनी चाहिए कि कैसे हम लोग करते हैं अप्लाई। चलो इस मशीन को जैसे आप यूज करें तो स्टील वूल जो है उसके साथ में आपको टर्नोवा यूज़ करना है। टर्नोवा या क्रिस्टलाइजेशन जो भी हो आपके पास क्रीम हो या लिक्विड फॉर्म हो, और इसको स्लोली स्लोली जितना स्लोली आप इसको मूव करेंगे उतना ज़्यादा आपका फ्लोर जो है वो चमकेगा। जितनी स्पीड में अगर आप इसको चलाएंगे स्लो से स्लो, ज़्यादा टाइम आप इसको देंगे रोटेट होने के लिए विद टर्नोवा या क्रिस्टलाइज क्रीम, तो ये और आपका इफेक्ट दिखाएगा। अगर आप जल्दी जल्दी इसको मूव करेंगे इधर से उधर तो हो सकता है उतना अच्छा रिजल्ट आपको देखने को ना मिलेगा। ये देखिए, ये थोड़ा सा सरफेस हमने आपको बताने के लिए छोड़ रखा था कि कैसे इसको अप्लाई करते हैं, और ये पीछे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि हम लोग जो हैं अपना इसको यूज कर चुके हैं, और यूज करने के बाद फ्लोर जो है बिल्कुल शाइन कर रही है। आप किसी भी एंगल से देख लीजिए, और भी वीडियो में आपको दिखाया हो गया कि वो बिल्कुल ऐसे खड़े होके और दिखाते हैं ऐसे कि देखो जी हो गया, या फिर उनके पास एक मीटर होता है शाइन वाला मीटर जिसमें कि वो रीडिंग फ्लोर पे सफाई करने से पहले रख के देखते हैं और सफाई होने के बाद, लेकिन जो फिजिकली आपको दिखेगा वो फ्लोर का एंगल से होता है। देखिए जैसे मैं यहाँ बैठ गया हूँ और यहाँ पर मैंने ये अपने मोबाइल को रखा है, यहाँ से आपको दिखेगा ये फ्लोर में डस्ट है या शाइन है या स्क्रैच है, इस तरीके से आपको ये फ्लोर अपने आप ही बता देता है। ये देखिए, तो यहाँ पे हम लोग कर चुके थे पहले, और आपको बस बताने के पर्पज से हमने वहाँ पे आपको मशीन चला के दिखाई है।